हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपको नहीं पता होगा। और ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा काम के हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं हूं हैदर अली, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकी हैदर में। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो निकल के आता है हमारा, कोई भी नंबर को आप अगर चैट करना चाहते हो, उस नंबर को आप सेव नहीं करना चाहते हो, ये आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर वगैरह में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर नंबर को भी सेव करने की जरूरत नहीं है। इसे आप किसी भी नंबर पर जो है व्हाट्सएप से ही चैट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे आपको करना है। तो अगर आप किसी का नंबर सेव करना नहीं चाहते हो और उसको व्हाट्सएप में चैट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस नंबर को जो है आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं नंबर को कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में चला जाना है। जैसे कि कोई भी यहाँ पर जो कंपनी का नंबर हो या कोई भी एक नंबर पर आपको क्या करना है, उस नंबर को आपको सेंड करना है। तो यहाँ से उस नंबर को पेस्ट कर दिए, एंड उसके बाद हम यहाँ से सेंड कर दिए हैं। सेंड करने के बाद में ये आपको इस नंबर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएगा चैट विद, ये नंबर आपको दिख जाएगा। तो इसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है बिना नंबर को सेव किए हुए इसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर ट्रिक की तरफ। तो जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो ये है, अगर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को एक या 2% या 4% से छुपाना चाहते हो, जिसे हाइड करना चाहते हो, वो काम आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है इसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना है। बस नीचे आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद मैं आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। जैसे प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्रोफाइल फोटो पर आपको टैप कर देना है। प्रोफाइल फोटो पर टैप करने के बाद ये अगर आपका एवरीवन किया हुआ है तो यहाँ पर सबको ही आपका फोटो जो है प्रोफाइल फोटो वो देख सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अब तो नोबडी मत कीजिए। अगर आप 1 या 2% से छुपाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर माय कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वो नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिसको आप अपना व्हाट्सएप डीपी नहीं दिखाना चाहते हो। अगर मैं इस नंबर को नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस नंबर पर क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। अब जो है उस पर्सन को मेरा डीपी जो है वो शो नहीं होगा। तो जो हमारा थर्ड नंबर ट्रिक है वो ये है कि कोई भी अगर आप फोटो या वीडियो किसी को सेंड करते हो तो जो है बहुत लो क्वालिटी का हो जाता है। अगर आप हाई क्वालिटी में फोटो या वीडियो को सेंड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड डेटा का, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखोगे फोटो अपलोड क्वालिटी का आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है अगर आपका ऑटो रिकमेंडेड में सेट किया हुआ है तो आपको क्या करना है, बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर सेट कर देना है, देन ओके आपको कर देना है। इससे मैं आपका जो ओरिजिनल क्वालिटी होगा वही जो है अब सेंड होगा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर ट्रिक के बारे में। जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो ये हमारा ये है, कोई ना कोई आपके व्हाट्सएप पर भी ऐसा जरूर होगा जिससे आप बहुत ही ज्यादा बात करते हो, बार उनसे जो है चैट करते हो, तो उसके लिए आपको जो है बार बार व्हाट्सएप पर जाना पड़ता है। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ इस ट्रिक में, जिसको यूज करके होम स्क्रीन से ही उसको मैसेज कर सकते हो, आपको बार बार व्हाट्सएप में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको कैसे करना है चलिए दिखा देता हूँ। तो अगर आप किसी भी नंबर को शॉर्टकट में ऐड करना चाहते हो, अपने होम स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पर आपको प्रेस करके रखना है, उसके बाद 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो ऐड चैट शॉर्टकट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देना है। ये जो अभी नंबर है ये अभी शॉर्टकट में ऐड हो जाएगा, उसके बाद नीचे आपको ऐड कर देना है। अभी आप अगर होम स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो ये नंबर है ऐड हो चुका है। अब इस पर ही टैप करके हम जो है इसको किसी भी कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, हमें जो है व्हाट्सएप में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं हमारा फिफ्थ नंबर ट्रिक्स के बारे में। तो उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने लास्ट सीन को किसी से हाइड करना चाहते हो, अभी आप सबको पता होगा किसी कोई भी आपका जो लास्ट सीन है वो देख सकता है, कब आप ऑनलाइन आए थे, अभी आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, ये अगर आपको नहीं दिखाना है किसी 1 या 2% को या फिर किसी को भी नहीं दिखाना है, ये काम आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद में सबसे ऊपर में आप लोग देखोगे तो लास्ट सीन एंड ऑनलाइन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एवरीवन पर क्लिक किया हुआ है, तो एवरीवन पर अगर आप सेट करके रखते हो तो आपका लास्ट सीन है वो कोई भी देख सकता है। नहीं तो अगर आप माई कॉन्टेक्ट पर सेव करके रखो, जितने भी कॉन्टेक्ट आपके फोन में सेव किया हुआ है वो लोग जो है आपका जो लास्ट सीन है वो देख सकता है। अगर माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है कुछ ही लोगों से अपने लास्ट सीन को छुपा सकते हो। जिन लोगों से आप लास्ट सीन को छुपाना चाहते हो उनको आपको ऐड कर देना है, नीचे यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है, ये आदमी जो है अभी मेरा लास्ट सीन नहीं देख सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये सब ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, में तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।